दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको 4 इंच के सांप के बारे में भी बताने वाले हैं। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। और दोस्तों हम बहुत जल्द फेस रिवील और फर्स्ट Q&A करने वाले हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हमसे या हमारे चैनल से हैं तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। कैमेलियन। दोस्तों कैमेलियन यानी गिरगिट, दोस्तों गिरगिट की प्रजाति का ये सबसे छोटा जीव है और ये तो आपको पता ही होगा कि गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से अपने रंग को तब्दील कर लेती है। इतने छोटे होने के कारण ये अब तक दुनिया की नजरों से अनजान थे, लेकिन सन 2000 में साइंटिस्टों के एक ग्रुप ने इसे खोज निकाला और इसे पहली बार ईस्ट अफ्रीका के माडागास्कर जंगल में देखा गया। दोस्तों इस गिरगिट की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। ये गिरगिट इतनी छोटी होती है कि ये एक माचिस की तिल्ली पे बहुत आराम से खड़ी रह सकती है। टॉर्टोइज। दोस्तों इस कछुए का पूरा नाम स्पेकल्ड पैडलूपर टॉर्टोइज है और अगर किसी अनजान व्यक्ति को इस कछुए का पूरा नाम बता दिया जाए तो वो इसे बहुत ही विशाल कछुआ समझेगा, लेकिन असल में तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये इतना छोटा है कि आपका हाथ इसके लिए भूमि के समान है। दोस्तों इस कछुए को साउथ अफ्रीका के जंगलों में आसानी से देखा जा सकता है और इनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 3 इंच तक होती है और यही बात इनको दुनिया का सबसे छोटा टर्टल बनाती है और इतना छोटा होने के कारण इनका वजन 80 से 100 ग्राम तक का होता है। दोस्तों इस प्यारे से कछुए को देख के अगर आपके मन में थोड़ा सा भी प्यार जग गया है तो वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए। ऑक्टोपस। दोस्तों इस दुनिया में 300 प्रकार के ऑक्टोपस पाए जाते हैं। उनमें से एक है ऑक्टोपस वॉल्फी जो दुनिया का सबसे छोटा ऑक्टोपस है। दोस्तों बाकी ऑक्टोपस के पैरों की लंबाई 4.5 मीटर तक होती है, लेकिन इस ऑक्टोपस की पैरों की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। इस ऑक्टोपस को पहली बार 1913 में पाया गया था और इनको स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस ऑक्टोपस का वजन मात्र 1 ग्राम होता है और ये फिलीपींस और थाईलैंड के बीचेस में देखा जा सकता है। स्नेक। दोस्तों दिखने में तो ये आपको अर्थवॉर्म यानी केचुए जैसा दिख रहा होगा, लेकिन असल में ये बारबाडोस थ्रेड स्नेक है जो कि कैरिबियन आइलैंड में पाया जाता है। इस सांप की लंबाई लगभग 4 इंच होती है जिसकी वजह से इसे दुनिया के सबसे छोटे सांपों की सूची में शामिल किया जाता है। इस सांप के बारे में अभी तक लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इसको सन 2000 में देखा गया था और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और ना ही ये गुस्सेले स्वभाव का होता है। ये सांप खाने में बहुत ही छोटे कीड़े और उनके अंडों का सेवन करना पसंद करते हैं। बैट यानी चमगादड़। दोस्तों इस चमगादड़ का पूरा नाम बम्बल बी बैट है और ये दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ माना जाता है और ये इतना छोटा है कि ये अगर आपके सामने से निकल जाए तो आप इसे एक भंवरा समझ के इग्नोर कर देंगे। इनकी लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इनकी कोई पूंछ नहीं होती और इनके पंख 17 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इन चमगादड़ों का रंग हल्के लाल भूरे रंग का होता है और ये भी बाकी चमगादड़ों की जैसे पेड़ों और गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा पालतू जानवर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।